द्विवेदी नेशनल प्रेसिडेंट एंटी करप्शन कमेटी एलियस भ्रष्टाचार समिति जो एक ऐसी संस्था है जो अगेंस्ट करप्शन क्राइम भ्रष्टाचार के खिलाफ 22 वर्षों से संपूर्ण भारत में यह कार्य कर रही है 714 जिलों में। इस कमेटी का कार्य है कि भ्रष्टाचार कहीं हो रहा है, करप्शन कहीं हो रहा है, क्राइम कहीं हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठाना। समिति की तरफ से संपूर्ण भारत में 714 जिलों में कार्यालय खोले गए हैं और समिति के पदाधिकारी रात दिन अगेंस्ट करप्शन क्राइम काम कर रहे हैं। आज सभी लोगों को, लाइव देखने वालों को मेरा नमस्कार। आज किस तरह से कोरोना का 73 डेज चल रहा है, पूरे देश के कोने कोने में लोग कोरोना से डरे हुए हैं, देश की जनता परेशान है और हमारे प्रधानमंत्री भारत सरकार ने 24/3/2020 को लॉकडाउन की घोषणा किया, पांचवा लॉकडाउन आज देश में चल रहा है। दुख की बात है कि आज सरकारें विफल हैं और हमारे इंडिया में 2,26,000 के आसपास कोरोना की कहर जनता तक फैल गई है। जनता हमारी परेशान है, जनता क्या करे, जनता को कोई रास्ता नहीं मिल रहा और सरकार कभी लॉकडाउन करती है, कभी अनलॉकडाउन करती है, कभी घोषणाएं करती है, कभी पैकेज की घोषणा करती है और पैकेज जनता तक मिलता नहीं है। ये दुख की बात है। आज ये मुझे कहना पड़ रहा है कि सरकार ने पांचवा लॉकडाउन की घोषणा किया और पांचवा लॉकडाउन में आज 5/5/2020 को दुकानें खोलने के लिए और 8/5/2020 को मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा खोलने के लिए ऐलान किया है। आप बताइए, आज का ऐसा दिन है कि 24 घंटे के अंदर में 9,300 कोरोना के पेशेंट आज इंडिया में मिले हैं। आप बताइए, 9,300 कोरोना के पेशेंट 24 घंटे मिले हैं। और जब प्रधानमंत्री भारत सरकार ने ये घोषणा किया था 24/3/2020 के, तो 509 थे और लॉकडाउन में इतनी कड़ाई थी कि कोई घर से निकल नहीं सकता था। किसी प्रदेशों में जाना था तो परमिशन चाहिए थे, जिलों में जाना था तो उसकी अनुमति चाहिए, ई पास चाहिए था। आप बताइए, आज सरकार ने खुली छूट दे दिया है, अब कहीं भी जाओ, कुछ भी करो और ऑन लॉकडाउन में काम करो। आप बताइए, 9,300 बीमारी घरों घरों तक फैल गई है और 24 घंटे के दिन में। आप बताइए, 2,26,000 हमारे इंडिया में लोग आज परेशान है, संक्रमित है। ये दुख के साथ कहना पड़ा है कि सरकार क्या डिसीजन ले रही है। सरकार ने पहले लॉकडाउन किया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ तक घोषणा करते गए, बढ़ाते गए और इनसे कोई भी लॉकडाउन के विषय में न तो सफलता मिली, न तो इन्होंने लोगों को न्याय दिया, न तो लॉकडाउन में कामयाबी मिली और लोग आज परेशान हैं। केवल एक खुशी की बात है कि 1,09,462 लोग ठीक हुए हैं, जो संक्रमित थे वो ठीक हुए हैं। एक खुशी बात है कि आज 48.8 जो आज हमारा रिकवरी रेट है इंडिया में चल रहा। आज देखिए दिल्ली पोषण क्या है, दिल्ली में 25,000 के आसपास लोग बीमार हो गए, संक्रमित हो गए, आज दिन प्रतिदिन वहां समस्याएं बढ़ती जा रही है। तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र कितने लोग परेशान है, महाराष्ट्र में 77,000 लोग संक्रमित हो गए हैं। अब बताइए कैसे न्याय मिलेगा, कैसे कंट्रोल होगा, कैसे होगा, कैसे लोगों को न्याय मिलेगा। और आज बीमारी बढ़ती चली जा रही है, फिर भी हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी ये घोषणाएं कर रहे हैं कि दुकानें खोल दो, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे खोल दो और खुले जाओ, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो। कैसे कोई करेगा, आप बताइए कैसे करेगा। कल लोग मंदिर में जाएंगे, गुरुद्वारे में जाएंगे तो क्या होगा,
कैसे लोग पालन करेंगे। आपको दो महीने, एक महीने और ये लॉकडाउन बढ़ाना चाहिए था। जनता से अपील करना चाहिए था कि हम इस पर सफल नहीं पा रहे हैं, विफल हैं, मुझे सहयोग करो। जनता सहयोग करती और आप बोल रहे हैं नहीं, अर्थव्यवस्था हमारी वीक हो गई है, हमारे पास चालू करना, धंधे चालू करना, फैक्ट्रिया चालू करना, दुकानें चालू करना, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चालू करना बहुत जरूरी है। आपने पहले क्यों सोचा? हमारे मजदूर भाई सड़कों पर दौड़ते रहे, पैदल चलते रहे, कितने की मौतें हो गई, फिर आपने लॉकडाउन में ढील क्यों दिया? क्या समस्या थी? ट्रकों से लोगों को जाना पड़ा, ट्रकों से लोग गए, आप बताइए ट्रकों से जाने का समय था क्या? ट्रक माल ढोने के लिए है और लोग हमारे मजदूर भाई माइग्रेंट लोग गए। आज 25 करोड़ हमारे इंडिया के माइग्रेंट है, आज कितने लोग भी हुए आप बताइए 24 घंटे के अंदर में, आप बताइए कितने संक्रमित हो रहे हैं, आज समस्या कितनी हो रही है, आप बताइए देश का क्या होगा? प्रधानमंत्री मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, आपने 20 लाख करोड़ पैकेज घोषणा कर दिया, किसको क्या मिल रहा है? EMI आपने अगस्त तक एक्सटेंशन कर दिया, EMI अगस्त तक जमा करिए, उसका इंटरेस्ट कौन भरेगा, ब्याज कौन भरेगा, एक साथ पैसे कहाँ आएंगे? सभी गाड़ियां बंद है, सभी के धंधे बंद है, लोग पैसे कहाँ से लाएंगे? आपने एक बार घोषणा नहीं किया, नहीं हमने जो 20 लाख करोड़ रुपया हमने पैकेज दिया है EMI में, उसमें जनता को मिलेगा, लोगों ने जो कर्ज लिया उनको मिलेगा, आपने घोषणा नहीं किया, आपने बताइए क्या किया? हर लोग परेशान है, जो दुकानें बंद है उनके रेंट कहाँ से आएंगे? जो 3-3 महीने से बंद है, जिसका रेंट 1 लाख है, 50,000 है, 10,000 रुपए है, वो रेंट कहाँ से देगा? उसकी दुकानें बंद है। आपको डिक्लेयर करना चाहिए था कि मैंने 2014 में 15 लाख रुपए सभी खाते में देने के लिए घोषणा किया था, तो आप 15 लाख मत दो, आप 50,000 रुपए दो किसी खाते में, 4 महीने में 2 लाख तो दो, आप वो पैसा दोगे तो लोगों का घर का रेंट जाएगा, लोगों का बिजली का बिल जाएगा, EMI जाएगी, राशन आएंगे, लोगों का हेल्प मिलेगा। आप क्या घोषणा कर रहे हैं मुझे बहुत दुख के साथ करना पड़ रहा है। नरेंद्र मोदी जी आप असफल हो गए, विफल हो गए, आप लॉकडाउन करके आपने जो घोषणा किया था हर जगह विफल हो गए। आज जनता परेशान है, आज जनता हमारी कितनी परेशान है आप देखिए, आप सर्वे कराइए, सर्वे का 2,26,000 आज जो कोरोना की केस हो रहे हैं, हर लोग परेशान है, क्या होगा देश में, किसको करना हो जाएगा, ये तो समस्या बढ़ती जा रही है। मुझे एक खुशी की बात, आज खुशी की एक दिन ऐसा है कि महाराष्ट्र में दो मंत्री जितेंद्र आव्हाड जी और अशोक चव्हाण जी संक्रमित हो थे, दोनों भी ठीक हुए। अशोक चव्हाण जी ठीक होकर के नांदेड़ पहुंच गए, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। जितेंद्र आव्हाड जी, अशोक चव्हाण जी, आप NCP के मंत्री थे, आप हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट में, और अशोक चव्हाण जी आप कांग्रेस के मंत्री थे महाराष्ट्र सरकार में, मैं आपको अभिनंदन देता हूं कि आप लोग इस लड़ाई से लड़े, इस कोरोना से लड़े, आपको जिंदगी मिले, मैं आपको अभिनंदन करता हूं कि आप इसी तरह से हर रोगों से लड़ते रहे, आपको न्याय मिलता रहा, साथ साथ में महाराष्ट्र गवर्नमेंट, महाराष्ट्र पुलिस और साथ साथ में हमारे हेल्थ ऑफिसर सुरक्षा कर्मी ने जो आपका ट्रीटमेंट किया, करना चाहता हूं कि आप लोग जिससे समस्या से आपने उनका सहयोग किया, ट्रीटमेंट किया, नांदेड़ से अशोक चौहान जी को जाकर लाए और ट्रीटमेंट बम्बई में किए, आज उनकी समस्या वो दूर हो गई। मैं इसी तरह से जो 77,700 आज हमारे महाराष्ट्र के रोगी हैं, मैं उनकी भी कामना करता हूं, महाराष्ट्र सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं कि इनके भी अच्छे ट्रीटमेंट करें, इनका भी ट्रीटमेंट अच्छा होना चाहिए, ये सभी रोगी ये निरोग होना चाहिए, अपने घरों में जाना चाहिए। क्यों मुझे आज जानकारी मिली है, मैं डीन नायर अस्पताल, डीन केम अस्पताल और डीन हमने काफी अस्पताल से हमने बात किया है, लोगों ने बोला है कि रिकवरी दर रेट अच्छा हो रहा है और डॉक्टर 24 आवर्स ये लगे हुए हैं कोरोना से भगाने के लिए। मुझे आशा है कि महाराष्ट्र जल्द से जल्द कोरोना में सफलता पाएगा और कोरोना जो पेशेंट है वो घरों में आएंगे। मैं दुख के साथ कहना पड़ा है कि मेरा अभिनंदन महानगर पालिका
जो हमारी एक ऐसी पलका है, अच्छा काम करती है। भाजपा के हम महापौर हैं, हमारे पास आज तारीख है 5/5/2020। ये 3/5/2020 को एक पेशेंट, इस पेशेंट मीरा भाईंदर में 49 इयर्स का यह मीरा में मिला और उसको लेकर गए आज तक, नहीं तो वहां पर नहीं तो आकर के चेकिंग किए और आज आकर के सैनिटाइज किए। आप बताइए 3 दिन के बाद में मीरा भाईंदर के महापौर, मीरा भाईंदर के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के, आपके बताइए आप क्या काम कर रहे हैं 3/2020 को। ये सिंधुदुर्ग ए विंग में मीरा में जो पेशेंट मिला है 49 इयर्स का है, आपने उस दिन क्या कार्रवाई किया? पेशेंट लेकर गए, उस घर से 5 लोग और लेकर गए। आप बताइए सैनिटाइज करने के लिए आपको 3 दिन टाइम लगता है, आपने क्या किया? ऐसे आप गैर जिम्मेदारी काम मत करिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी मीरा भाईंदर की समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, रोगी मिल रहे हैं, समस्या इतनी गंभीर हो रही है, आप लापरवाह हो रहे हैं। मैं म्यूनिसिपल कमिश्नर डांगी साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस पर कोरोना पर केयर करें, जनता के लिए काम करें और फिर जो हेल्थ ऑफिसर है उनको डायरेक्शन दें कि जो पेशेंट मिलता है तुरंत कार्रवाई करें, ट्रीटमेंट करें और उनको अलग अच्छा इलाज करें, जिससे कोरोना मीरा भाईंदर नहीं भाग सके। साथ साथ में मैं गुजरात के मुख्यमंत्री, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो आपके वहाँ कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं और समस्या पूरे वार्ड में हो रही है, कि तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र, दिल्ली में कोरोना का जो कहर है ये कितना बढ़ रहा है, लोग जनता परेशान है। आप ज्यादा से ज्यादा ट्रीटमेंट, ज्यादा से ज्यादा डॉक्टरों को अपॉइंट करें और लोग घरों तक ये ट्रीटमेंट कराएं। अभी हमारे डेली अरविंद केजरीवाल जी सीएम दिल्ली टीवी में आते हैं, बोलते हमारे वहां लोग खुश है। क्या खुश है? 25,000 दिल्ली की समस्या हुई है, कोरोना के पेशेंट हो गए हैं, बढ़ते जा रहे हैं, 550 मौतें हो गई है। आप देखिए 24 घंटे में कितने मौतें हुई है, आप चेक करिए, दुख की बात है, आप इसकी जांच करिए। मैं आपसे अपील करता हूं केजरीवाल जी, आप बोलना बंद करें, काम करना चालू करें। पेशेंट कितने दिल्ली बढ़ रहे हैं? साथ साथ में मैं मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप सुन मेरे आप सुन रहे हो, यहाँ पास MMCH हॉस्पिटल पटना में जो कोविड अस्पताल है, पिछले साल वहां पे बारिश से पानी भर गया था और इस साल भी पानी भर गया है, जो कोविड अस्पताल है, आपके लोग क्या कर रहे हैं, आपकी सरकार क्या कर रही है? और आपके लोग कोविड अस्पताल है 19 का, आप बताइए कोविड 19 अस्पताल है, पानी भर गया है बारिश में, पिछले साल भी समस्या हुआ थी, ये बार बार क्यों हो रहा है? MMCH का जो अस्पताल है पटना में, इसके आप देखभाल करें, आप वहां जो हमारे पेशेंट है उनका देखभाल करें, और बार बार पानी क्यों लग रहा है इसकी जांच करें। क्या हेल्थ के लोग, चीफ सेक्रेटरी बिहार क्या काम कर रही हैं? तो दुख की बात हो रही है। और हमारी जो लॉ मिनिस्टर है बिहार पटना के जो सांसद है, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप वहां से सांसद है पटना से, आप इसका जांच करें कि बार बार पानी MMCH क्यों जा रहा है, क्यों पानी भर जा रहा है, क्या पैसे नहीं है कि बिहार सरकार पटना में कोई काम नहीं कर रही है और अस्पतालों में पानी भर जा रहा है, तो क्या काम है? आपकी सरकार फेल हो गई है, आपके लोग फेल हो गए हैं, हेल्थ के लोग फेल हो गए हैं, ये दुख की बात है, इसकी कार्रवाई करें। साथ साथ में मैं ये अपील करता हूँ महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, तमिलनाडु गवर्नमेंट से और दिल्ली सरकार से, गुजरात सरकार से, आप कोरोना के पेशेंटों को लिए ज्यादा से ज्यादा काम करें, न्याय दें और साथ साथ में इनके घरों तक सुविधाएं पहुंचाएं, जिससे लोगों को इससे डर से निकल सके, उनको न्याय मिले, कोरोना से लड़ सके। और केंद्र सरकार से बार-बार रिक्वेस्ट है मोदी जी से कि मोदी जी, जो आपने 5/5/2020 को दुकानें खोलने का अनुमति दिया, 8/8 को आपने जो आपने खोलने पर दे दिया गुरुद्वारों को और साथ मंदिर मस्जिदों को, आप इस पर भी कंट्रोल करें। आप देखिए आपने परिषद गाइडलाइन तो दे दिया है, रिटर्न तो लेके नहीं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए अब स्पेशल गाइडलाइन चालू करें कि यहाँ पर लोग कम जाएं, लोग घरों में पूजा पाठ करें, घरों में
पूजा पाठ की अर्चना करें और साथ साथ में नमाज पढ़ें। जैसे आपने ईद के दिन 25 तारीख को आपने ईद के दिन 25/5/2020 को आपने ईद के दिन बोला था कि मैं 23/5/2020 को ईद दिन लॉकडाउन खुल जाएगा। नरेंद्र मोदी जी 25/5 को क्या हुआ, लॉकडाउन क्या हुआ आज बताइए। आज 5/6/2020 को आज क्या हो रहा है, देश परेशान है। 2,26,000 पेशेंट हमारे हो गए हैं, आप लोग कितने परेशान हैं। मोदी साहब देखिए ये समस्या गंभीर होती जा रही है। आपने 30/6/2020 तक लॉकडाउन किया है, मैं आपको बात को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, लेकिन आप जनता को न्याय दे, अच्छा वर्क करें, काम करें। जनता बहुत बहुत परेशान है। मुझे बड़ी खुशी बात बार बार कहना पड़ा है कि हमारे इंडिया में जो रिकवरी रेट है बहुत अच्छा चल रहा है, 1,09,462 हो गया है, माने 48.8 माने आज इंडिया में चल रहा है। मरीज हमारे अच्छे हो रहे हैं, और ट्रीटमेंट अच्छा करेंगे तो न्याय मिलेगा। मैं इसी कहने के साथ में मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सभी सरकारों से कि आप इस पर केयर करें, ध्यान दें, जिससे लोगों को न्याय मिले और जो पेशेंट हमारे परेशान हैं उनको हेल्प करें, घर तक खाना पहुंचाएं। कुछ डीएम हमारे से हैं खाना बंद कर दिए हैं, अब बताइए लोग कैसे खाना खाएंगे, लोग परेशान हैं। 30/6/2020 तक आपने लॉकडाउन के सेंट्रल ने गाइडलाइन चालू किया है, खाना बंद कर दिया है, लोगों को हेल्प नहीं करें, राशन देने दे, फंडिंग नहीं दे रहे, लोग कैसे न्याय मिलेगा। मैं सभी चीफ मिनिस्टर से हेल्प कर ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जनता तक मैसेज पहुंचाएं, राशन पहुंचाएं, फंडिंग पहुंचाएं। और जो प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ का जो घोषणा किया था वो फंडिंग पैसा जनता तक पहुंचाएं, जनता को न्याय मिले, राशन मिले, पैसा मिलेगा, कोरोना से लड़ सके। और मैं बार बार 30/6/2020 तक इसी तक आऊंगा, इसी 8 बजे ऑनलाइन लाइव पे आता रहूंगा, और दोबारा में 8/6/2020 को आऊंगा, 11/6/2020 को आऊंगा, साथ साथ में 14/6/2020 को आऊंगा, 17/6/2020 को आऊंगा, 20/6/2020 को आऊंगा, 23/6/2020 को आऊंगा, साथ साथ में 23 के बाद में सीधे मैं आऊंगा 26/6/2020 को आऊंगा, फिर मैं 27/6/2020 को आऊंगा। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं सभी सरकार जी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अच्छा काम करें, अच्छा हेल्प करें, जिससे जनता को न्याय मिल सके। जय हिंद, जय भारत।